हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। आज का टॉपिक है जो भारत की राजनीति व्यवस्था। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस टॉपिक में है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें से आती जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल हो, कोई मंत्री से रिलेटेड हो, संविधान से रिलेटेड हो, अनुच्छेद से रिलेटेड हो, कोई राज्य से रिलेटेड हो, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से रीड कीजिएगा। इसके पहले पार्ट इसकी वीडियो के एंड पे, जब वीडियो ख़त्म होगी स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर आप वो देखना चाहते हो वो भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की राजनीतिक व्यवस्था। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है जो ऑस्ट्रिया से ली गई है, उसके अनुसार भारतीय शासन की सर्वोच्च सत्ता है जो किसमें निहित है, वो है भारत की जनता में। जो सर्वोच्च सत्ता है वो भारतीय जनता में निहित है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन हैं? वो हैं मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दिया था वो पहले व्यक्ति कौन हैं? वो हैं मोरारजी देसाई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जो महालेखा परीक्षक होता है भारत के, तो वो करता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आज्ञा प्रदान की गई है? वो कौन सा संविधान है, भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो उसको आत्मा की आज्ञा प्रदान की गई है? वो है प्रस्तावना। संविधान की यानी कि आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो केरल राज्य है इसका उच्च न्यायालय वो है अरनाकुलम में। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? जो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि होते हैं उनका निर्वाचन वो करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? जो लोकसभा से अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम जी कह लो, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कितने होने चाहिए, कितनी संख्या है जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई है, वो है 545। लोकसभा के 545 होते हैं, राज्यसभा के 250 होते हैं। हरियाणा राज्य कब बना? ये तो आप सभी को पता होता है, 1 नवंबर 1966 को। दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? जो दीवानी मामले होते हैं उसमें जो संसद के सदस्य होते हैं उनको है जो किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो है संसद के सत्र के दौरान। संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन बाद तक, यानी कि एक तो जब संसद का सत्र चल रहा है तब नहीं हम उनको गिरफ्तार कर सकते, एक सत्र होने स्टार्ट होने से 40 दिन पहले या एक स्टार्ट होने के बाद 40 दिन बाद में है जो हम उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये 3 सिचुएशन में उनको हम गिरफ्तार हैं जो नहीं कर सकते। संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? जिन्होंने संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र दिया था वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने मंत्री परिषद पद से है जो त्यागपत्र दिया था वो प्रथम मंत्री थे। भारत के संप्रेक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? वो होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो भारत के संप्रेक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? वो है लोकसभा के सदस्य होते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। कौन उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश की बहुत ही
सुचिता कृपलानी। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम उम्मीदवारों की संख्या 1874। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक यानी कि लॉन्ग टाइम तक एक ही विभाग में कार्यभार संभाला था, वो केंद्रीय मंत्री कौन थे? वो थी राजकुमारी अमृत कौर। दादरा एव नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? तो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली, वो आते हैं मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में। मूल संविधान में राज्य को कितने प्रवर्गों में रखा गया है? वो रखा गया है चार वर्गों में, चार प्रवर्गों में। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य होने के लिए उनकी उम्र है कितनी होनी चाहिए या कितनी उम्र से कम नहीं होना चाहिए? वो है 25 वर्ष से। भारतीय संविधान किस दिन पूर्ण लागू हुआ था? हमारा जो भारत का संविधान है किस दिन लागू हुआ था पूर्ण रूप से? वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 26 अक्टूबर 1962 में। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जो डोगरी भाषा है, डोगरी लैंग्वेज, वो राज्य है जम्मू और कश्मीर में। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? वो है एकहरी नागरिकता, एक तरह की नागरिकता। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? जो भारत का स्वाधीनता अधिनियम है उसको किस दिन, वो कौन सा दिन था जिसे ब्रिटिश सम्राट से स्वीकृति मिली थी? 21 जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है, यानी कि कितने भागों में बांटा हुआ है? वह 22 भागों में। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? एक केंद्र होता है सेंटर में, एक स्टेट होता है, इनके बीच जो धन का बंटवारा किया जाता है इसके संबंध में कौन राय देता है? वह वित्त आयोग। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है जन्म, पंजीकरण और वंशानुगत, इन तीनों सिचुएशन में है जो भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? वो है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है भारतीय संविधान ने। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? होता है प्रधानमंत्री, जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ यानी कि आजाद हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वो थे जे बी कृपलानी। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 27। 42 में संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? होते गुट निरपेक्ष, जो शब्द हैं उन्हें 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में है जो नहीं जोड़ा गया है वो है गुट निरपेक्ष। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? वो है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का अपना अलग ही है जो संविधान है, ये भी याद रखिएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? वो है ब्रिटिश संस्थानात्मक प्रणाली अपनाई गई है जो भारत में।
भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? वो है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का प्रभाव है भारतीय संसदीय प्रणाली पर, उसके संविधान से हमारा संविधान लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसकी प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से मिली है? वो है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? जो हमारी संशोधन प्रक्रिया है वो है दक्षिण अफ्रीका के। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? जो भारतीय संघ में शामिल कर लिया है वो है झारखंड राज्य। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? वो गया था 1971 में। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? वो था 1985 में, 1985 में। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? वो है तमिलनाडु। लोकसभा का शौचालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? वो है संसदीय मामले के मंत्री में की देखरेख में है जो कार्य करता है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? वह 30 वर्ष। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसका कथन था? यह था सरोजनी नायडू का। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? वो थी 1957 में, केरल में है जो सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार थी जो गठित हुई थी। किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? वो है उत्तर प्रदेश। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? वो है प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। सुवरेन ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लेकर आएंगे। कोई भी टॉपिक हो, जैसे कि हिस्ट्री हो या जियोग्राफी हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, ऐसे पार्ट एक दो दिन में ज़्यादा टाइम आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।